आज हम देखेंगे टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजिया पाई जाती है उनका डेवलपमेंट किस किस प्रकार का होता है। तो इसमें दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है जो सिलेजेनेला की स्पोरेंजिया होती हैं। पहला है यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। सबसे पहले हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। तो ये जो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर इसका जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक से अधिक कोशिकाओं से हो रहा है, या यूँ कहें एक समूह में कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाएं बीजाणुधानी के परिवर्तन में भाग ले रही हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये देखिए कि जो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है वो लोअर टेरिडोफाइट्स जैसे कि साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलेजेनेला, इक्विसिटम इन सभी में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होती है वो कोन के अंदर या स्ट्रॉबिलस के अंदर होती हैं और इसमें जो पत्तियां होती हैं या इनकी जो बीजाणु पर्ण होते हैं उसके अंदर की कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। तो ये एक पर्ण की कोशिकाएं हैं और साथ ही इसके अंदर की सतह पर ये जो कोशिकाएं हैं जिसमें कि न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस सभी में होता है लेकिन यहाँ पे केवल इसलिए दिखाया गया है ताकि इसे हम अलग से दर्शा सकें। तो ये एक, दो और तीन कोशिकाएं स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी आरंभिका के रूप में कार्य करती हैं। एक से अधिक कोशिकाएं हैं इसीलिए ये डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है। अब इन कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक विभाजन का मतलब ये अपनी ऊपर की तरफ एक कोशिका बनाती हैं या यूँ कहें कि बाहर की तरफ एक कोशिका बना लेती हैं और एक कोशिका अंदर की तरफ बना लेती हैं। तो इससे ये दो लेयर की कोशिकाएं बन गई। दो लेयर में से जो बाहर की लेयर है ये कोशिकाएं प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती हैं और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। अब ये जो बाहर की प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं इनके अंदर अपनतिक विभाजन हो रहा है। अभी तक क्या हुआ था, परिणतिक विभाजन हुआ था। परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका बाहर बनी और एक कोशिका अंदर बनी। अब फिलहाल बाहर की कोशिकाओं को ही हमें देखना है। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें अपनतिक विभाजन हो रहा है। अपनतिक विभाजन से ये कोशिकाएं इस डायरेक्शन में बढ़ती हैं, यानी कि अंदर और बाहर नहीं बन रही है बल्कि उनकी जो बाहर की सतह है उसके बराबर में ये वृद्धि कर रही हैं। तो ये इस तरह से एक वॉल का निर्माण कर लेती है जो कि बीजाणुधानी की वॉल है और अंदर की कोशिकाएं जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो अनियमित तल में विभाजन करती है, यानी उनका कोई निश्चित तल नहीं है, बस उनको विभाजित होना है और विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिकाओं के एक समूह का निर्माण कर लेती हैं। इन कोशिकाओं को स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, यानी कि बीजाणुजन उत्तक। अब ये जो बाहर की वॉल कोशिकाएं हैं ये फिर से परिणतिक विभाजन करती हैं जिसके फलस्वरूप यहाँ पे दो या तीन लेयर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक परत की भित्ति है, इसमें परिणतिक विभाजन हो रहा है तो एक परत और बन रही है, फिर परिणतिक विभाजन हो रहा है तो एक परत और बन रही है। इस तरह से ये जो तीन परत बन गई वो इस तरह से मैंने दिखा रखी है डायग्राम में। ये सबसे बाहर की वॉल लेयर, ये अंदर की वॉल लेयर और सबसे अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये टैपिटम के रूप में कार्य करती हैं। तो जो टैपिटम है इनका कार्य बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणु बन रहे हैं इन्हें पोषण प्रदान करना होता है और ये स्टेराइल होती हैं। इनका बीजाणु के निर्माण में कोई भाग नहीं होता, ये केवल इनको पोषण प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे ये दो लेयर, टू लेयर की वॉल बन गई, साथ ही अंदर की तरफ जिन कोशिकाओं में केंद्रक दिखाई दे रहा है वो बन गया टैपिटम।
अब आ जाओ अंदर की कोशिकाओं में। तो अंदर की ये जो कोशिकाएं जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ थे, बाद में ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। जब ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो ये इस तरह से गोलाकार हो जाती हैं, और इनके जो बाहर की भित्ति होती है वो एक तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जिस तरल पदार्थ के अंदर ये बीजाणु जो होते हैं वो भरे रहते हैं। अब ये जो बीजाणु हैं ये आगे चलकर स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिका आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर टेट्राड का निर्माण करती है। अब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है जिससे चार कोशिकाएं बन रही हैं, और ये चार कोशिकाएं यहाँ पे टेट्राड में व्यवस्थित हैं, जिसमें से तीन तो हमें सामने दिखाई दे रही है और एक कोशिका जो होती है वो पीछे होती है। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं बीजाणु, तो ये इस स्पोर टेट्राड में से भी अलग होके प्रत्येक बीजाणु एक अलग गोलाकार रूप ले लेता है। तो ये जो था हमने देखा डेवलपमेंट, यू स्पोरिंजेट बीजाणु थाली का डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, नंबर वन कि जो बीजाणु का जो डेवलप बीजाणु थाली का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल या समूह में कोशिकाओं से हो रहा है, और जब इनका निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे ये जो कोशिका भित्ति है वो दो लेयर की है और टैपिडम जो है वो सिंगल लेयर की है। अब हम चलते हैं कि लैक्टोस्पोरिंजेट जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होगा। लैक्टोस्पोरिंजेट का मतलब है बीजाणु धानी का जो डेवलपमेंट है वो एक सिंगल कोशिका से हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक सिंगल कोशिका जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणु धानी आरंभिका के रूप में कार्य करती है। अब इसमें परिणतिक विभाजन हुआ जिससे कि बाहर की तरफ एक आउटर कोशिका बन गई और अंदर की तरफ एक इनर कोशिका बन गई। अब इनमें से जो दो कोशिकाएं बनी हैं, अंदर की तरफ जो कोशिका है वो बीजाणु धानी के निर्माण में कोई भाग नहीं लेगी, पूरा जो आगे का डेवलपमेंट है वो इस आउटर सेल से होगा। अब देखते हैं कि इस आउटर सेल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आउटर सेल में तिर्यक विभाजन होते हैं, पहला विभाजन हो गया परिणतिक, अब इसमें तिर्यक विभाजन होगा। तिर्यक विभाजन का मतलब तिरछे विभाजन होते हैं, यानी कि जैसे ये कोशिका मैंने बना रखी है ये इस तरह से तिरछे विभाजन हुए। तो यहाँ पे ये जो विभाजन होते हैं वो तीन तलों में होते हैं, पहला तल ये है, दूसरा तल ये है, और तीसरा जो तल है वो इसके पीछे की तरफ होगा। इन विभाजनों के फलस्वरूप जो एपिकल सेल होती है वो फाइनली टेट्राहेड्रल शेप ले लेती है। टेट्राहेड्रल जो शेप है उसका मतलब ये है कि ये ऊपर से तो गोल है लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये त्रिकोणाकार है और इसके तीन तल हैं, जैसे ट्रायंगल के अंदर तीन फेस होते हैं, या हम अगर देखें पिरामिड का जो नीचे वाला पोर्शन जो समझ लो इस तरह से होता है, तिकोना है और इसमें तीन तलों में विभाजन हो रहा है, एक ये और एक पीछे की तरफ। तो अब ये जो टेट्राहेड्रल एपिकल सेल है इसमें आगे क्या जो चेंजेस हैं वो होंगे। तो अब ये देखिए कि जो ये नीचे की तरफ तिर्यक विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनी, ये कोशिका बीजाणु धानी का वृंत बनाती हैं, और ये जो टेट्राहेड्रल सेल थी इसके अंदर फिर से एक परिणतिक विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप बाहर की तरफ इस तरह से एक मतलब इसको कवर किए हुए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को कवर किए हुए बाहर की तरफ एक जैकेट कोशिका बन जाती है, और ये जैकेट कोशिका नंबर वन और तीन कोशिकाएं जो तिर्यक विभाजन के फलस्वरूप नीचे की तरफ बनी थी वो यानी कि चारों कोशिकाएं फिर से अपनतिक विभाजन करती हैं। अपनतिक विभाजन करके ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और इस तरह से एक लेयर एक कोशिकीय जैकेट कोशिका का निर्माण कर देती हैं, और इनके द्वारा घिरी हुई जो ये एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये आगे फिर से
परिणति विभाजन का, यहाँ पे परिणति विभाजन हो रहा है, परिणति विभाजन के फलस्वरूप ये इस तरह से लेयर में वृद्धि होती है। यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, ये इस तरह से प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस सेल बन गई। आगे फिर इन स्पोरोजिनस सेल जो है इसमें अनियमित वृद्धि होती है और इस तरह से समूह में बीजाणुजन उत्तक का निर्माण हो जाता है और बाहर की तरफ बीजाणुजन उत्तक की जो बाहरी दो लेयर है वो टैपिटम का निर्माण कर लेती हैं और केवल एक लेयर जो होती है वो जैकेट का निर्माण करती है। यहाँ पे जो यूज फॉर इंजर डेवलपमेंट था इसके अंदर जो टैपिटम है वो एक परतीय है, जबकि लैप्टोस फॉर इंजर डेवलपमेंट में टैपिटम जो है वो द्विपरतीय है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं ये फिर एक दूसरे से पृथक होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इस तरह से स्पोर टेट्राड्स बनते हैं। और ये स्पोर टेट्राड्स जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग चार स्पोर का निर्माण कर लेते हैं। अब लैप्टोस यूज फॉर इंजर डेवलपमेंट में जो बीजाणुओं की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि लैप्टोस फॉर इंजर डेवलपमेंट में बीजाणुओं की संख्या कम होती है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि लैप्टोस फॉर इंजर डेवलपमेंट पाया जाता है वो है मार्शीलिया और टेरिडियम। आइए अब हम मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो हमने बीजाणुधानी का डेवलपमेंट देखा उसमें दो तरह के विभाजन हुए हैं, एक हुआ है अपनतिक विभाजन और दूसरा परिणतिक विभाजन। तो ये डायग्राम मैंने आप लोगों को केवल विभाजन को स्पष्ट करने के लिए बनाया है। तो ये एक कोशिका है, इस कोशिका में इस तल पर विभाजन हो रहा है, यानी कि इस तरह से विभाजन हो रहा है। तो दो कोशिकाएं बन रही हैं और ये विभाजन अपनतिक विभाजन कहलाता है, जिससे कि एक लाइन में ये कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं और लाइन में कोशिकाओं में वृद्धि की वजह से ये जो स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है, वॉल की जो सरफेस होती है, सरफेस को ऊपर से कवर करने का कार्य करती है। और परिणतिक विभाजन क्योंकि इस तल में हो रहा है, इसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बन रही हैं एक अंदर और एक बाहर की तरफ बन रही हैं। अगर फिर से विभाजन हो तो फिर से अंदर बाहर बन के ये इस तरह से चार लेयर का निर्माण करते हैं। तो परिणतिक जो विभाजन होता है वो विभाजन थिकनेस या स्पोरेंजिया की जो अलग अलग लेयर होती है उसके निर्माण में काम आता है, जबकि जो अपनतिक विभाजन होता है उसके फलस्वरूप इसकी जो सरफेस होती है वो ताकि वो उस सरफेस को कवर कर सके। अब हम देखते हैं इसमें जो तीसरा विभाजन था जिसे कि तिर्यक विभाजन नाम दिया गया है। तिर्यक का मतलब है तिरछा, तो इसने कोशिका जो है वो सीधे इस तरह से या इस तरह से विभाजित नहीं हो रही है बल्कि इस तरह से तिरछा विभाजन हो रहा है और ये विभाजन जो है वो तीन अलग अलग तलों में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊपर की तरफ जो कोशिका बन रही है जो एपिकल सेल थी वो इस तरह की बनेगी, ऊपर से डोम शेप है और नीचे की तरफ इसके तीन फलक हैं जहाँ पर कि तीनों फलक पे विभाजन हो रहा है। अगर हम इसका सरफेस व्यू देखें तो ये जो विभाजन है, विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं जो है वो इस तरह से विन्यासित रहती हैं जो एक दूसरे को काटते हुए हैं और तिर्यक विभाजन है। और ये विभाजन जो होता है वो कोशिका या स्पोरेंजिया के वृंत के निर्माण में या जैसे आर्किगोनिया है उसके नेक के निर्माण में काम आता है। तो इस तरह से हमने जो टेरिडोफाइट्स है उसमें बीजाणुधानी के डेवलपमेंट जो कि यूज फॉरिंजेट और लैप्टोस फॉरिंजेट प्रकार का होता है उसे देखा। इसके जो नोट्स हैं वो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस लेक्चर के साथ ही या जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके साथ ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी।